हेलो मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, हर रोज़ की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फिजिक्स के भी हैं और केमिस्ट्री के भी हैं, यानी साइंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस टेस्ट में आपको मिलेगा। तो बच्चों, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सखे संबंधियों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहे, आप लोगों की किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, फटाफट से बता दो बच्चों। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देने की एक बार कोशिश करो। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, बस रिप्लाई करने की कोशिश करो एक बार। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। तो भाई, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, बेकिंग सोडा। और बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का, एक बार आप लाइव चैट में लिखिए भाई, ठीक है, क्या रहेगा, फटाफट से लिख दो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा NaHCO3। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उनमें जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको कैसे कंसिडर किया गया है उनके पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से। तो कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल हैं उसमें एलिमेंट्स को रखा गया है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं। बस मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों, ऐसे ही आंसर देते रहो, डेली दो प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, हर एक सब्जेक्ट की डेली एक वीडियो देखते रहो, एग्ज़ाम तक ये प्रोसेस जारी रखो, आपका एंट्रेंस जरूर क्लियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखे गए थे, ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखे गए। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन? न्यूलैंड का जो ऑक्टेव का लॉ दिया था उसने, तो उसके क्लासिफिकेशन में लास्ट एलिमेंट कौन सा था, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो फटाफट से एक बार आंसर देने की कोशिश करो भाई, फिर बताते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, थोरियम। कि जो न्यूलैंड की जो ऑक्टेव का क्लासिफिकेशन किया था उसने, ठीक है, 8-8 एलिमेंट्स को रखा था, कि 7 एलिमेंट्स हैं वो एक उसमें रखे थे रो में, 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले की तरह थी। तो इस तरह से न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, तो उसमें जो लास्ट एलिमेंट था वो था थोरियम। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर, विनेगर बनाने के लिए भाई किसका प्रयोग किया जाता है, सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सिरका निर्माण में भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। गजब का क्वेश्चन है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, लाइक जरूर कर देना बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वॉज प्रपोज्ड बाय, कि जो प्लम पुडिंग जो मॉडल था वो किसने पेश किया था भाई, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, तरबूज वाला, तरबूज में जो बीज धसे हुए होते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट दिया था, वो किसने दिया था फटाफट से बता दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, जे जे थॉम्सन ने। किसने दिया था? जे जे थॉम्सन ने। कब दिया था? 1898 में, 1898 में। तो इस मॉडल के हिसाब से क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम का, वो क्या है? यूनिफॉर्मली उसमें बिखरा हुआ है, यानी जो तरबूज में जो लाल हिस्सा था, रेड हिस्सा था, उसको इसने माना था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज था वो उसने माना था तरबूज के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको माना था, उनको इसने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसमें क्या है? धसे हुए हैं, ठीक है, सीड में धसे हुए हैं, ओ सॉरी, तरबूज में दो धसे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात भाई। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, फटाफट से बता दो। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार। और एक आप लोगों का यार क्वेश्चन रहता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे, भाई निकल जाएंगे 15 सितंबर तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ जाएंगे, और मे बी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी करते रहो बच्चों, टाइम आप लोगों के पास है, बस उस टाइम को खोना मत यार, ठीक है, यूटिलाइज कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, NH3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड मटेरियल, द वन दैट इज नॉट एन एलॉय, कि इनमें से भाई कौन सा एक ऐसा मटेरियल बताओ जो एलॉय नहीं है, फटाफट से बता दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, फटाफट से बता दो बच्चों कौन सा इनमें एलॉय नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये मेटल है भाई, Cu से इसको हम लिखते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर, के इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। और सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन किया करो, क्योंकि हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है ना। जितने आप आंसर दोगे, जितने आप क्वेश्चन करोगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है बच्चों, दे दो इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमोनिया, अमोनिया का बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड, वॉशिंग सोडा को किस लिए यूज किया जाता है भाई? फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, एज ए क्लीजनिंग एजेंट, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार, जवाब देना जरूरी है, बिना जवाब दिए तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, बस रिप्लाई करते चलो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। और बच्चों वीडियो को ना जम के शेयर कर दिया करो, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, पहले पढ़िए, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट है ना, वॉशिंग सोडा वो है, ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है भाई, वॉशिंग सोडा से ही बनता है डिटर्जेंट, ध्यान रखना। तो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है पानी की जो हार्डनेस है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए। दूसरी बात, उसको सफाई के रूप में भी यूज करते हैं, सफाई के लिए डोमेस्टिक जो क्लीनिंग एजेंट है उसके रूप में यूज करते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, उसके लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो फर्स्ट और थर्ड सही रहेगा, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द ऑप्शंस, कार्बन की जो मोस्ट प्योर फॉर्म है, सबसे शुद्धतम जो रूप है वो कौन सा है बच्चों, फटाफट से बता दो।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देते जाओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। क्या है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कार्बन के क्या है? प्योर फॉर्म है बच्चों, शुद्धतम रूप है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से, ठीक है, किसी मेटल पर दूसरी लेयर चढ़ाना, किसी सब्सटेंस की दूसरी मेटल चढ़ाना, दूसरी लेयर चढ़ाना, या डिजायर्ड मेटल किसी मटेरियल की दूसरी लेयर चढ़ाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो आप लोग। आपका रिप्लाई करना जरूरी है और स्कोर आपका लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी मेटल पे दूसरे सब्सटेंस की जो लेयर चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इज नॉन टू बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्यूरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इज नॉन टू बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, कि जो वाटर इम्प्योरिटी से फ्री है, जिसमें अशुद्धियां नहीं है, उस वाटर को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, वेरी गुड साथियों। तो बच्चों बस मिशन पे लगा रहे हो यार, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो कि यार अब तक तो फॉर्म ही नहीं निकले, बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो खुद के एक्सक्यूज है ना उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो यार, और पढ़ना स्टार्ट कर दो सीरियस होके। एडमिशन आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की। वो कब होगा? पढ़ोगे तब होगा, ठीक है ना, मात्र मेरे कहने से नहीं होगा, तो पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा डिस्टिल्ड वाटर। क्या रहेगा? डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा भाई इंसुलेटर है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास नहीं होने देता उसको इंसुलेटर बोलते हैं बच्चों। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, जवाब जरूर दिया करो यार, ठीक है। और बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो भाई, लाइक करना भी एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये दो काम जरूर किया करो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आप लोगों का वो रहेगा वुड, लकड़ी। लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश। तो बच्चों जिंदगी में ना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों आती है, ठीक है। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नेगेटिविटी सेकंडों में ही एक्सेप्ट हो जाती है। तो जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाने वाले पर्सन ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तभी हमें काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले थे जो कहते थे यार यहाँ कुछ नहीं होना, कामयाब नहीं होना, मतलब पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी ज़्यादा थी। बट जो हमारा मिशन था वो ये था भाई हर एक बच्चे तक इस परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ थी हाल की, जो परिस्थितियाँ हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, या स्कूल कॉलेज बंद थे, अकेडमीज बंद थी, तो उस कंडीशन में हमने एक मिशन स्टार्ट किया था कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, VLDA की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, उन तक वीडियोस पहुँचे, क्लास पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। तो इसी मिशन से स्टार्ट किया था, और आप सभी लोगों के सहयोग से और प्यार से आज हम ये सोच रहे हैं भी हाँ जी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। बस पेशेंस ज़रूरी है, बच्चों का भरोसा ज़रूरी है। तो बच्चों इसी तरह से प्यार बनाए रखिए अपना, हमें सपोर्ट करते रहिए। ये कोर्स और इसके साथ साथ एडवांस साइंस है, मैथ्स है, वो भी आप लोगों को फ्यूचर में फ्री मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी, बस कोऑपरेट करते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ग्रेप्स में? टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस,
मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, क्या उत्पन्न होती है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस होती हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH हो गया। क्या हो गया बच्चों, NaOH, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगी किसी भी मेटल के साथ तो वहाँ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस सॉल्यूशन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी किसकी सहायता से बनाया जाता है भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लिचन। लिचन से क्या है, जो लिटमस सॉल्यूशन है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट से लिख दो लाइव चैट में। शाबाश। तो बच्चों मैं आपको ये कह रहा था कि पॉजिटिविटी मुश्किल से आती है यार, पॉजिटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट करो, नेगेटिविटी को मत करो, ठीक है। कमेंट्स भी काफ़ी सारे आते हैं जो लोग नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ठीक है। पता नहीं यार लोगों को नेगेटिविटी फैला के क्या मिलता है, पॉजिटिव रहे और दूसरों को पॉजिटिव करें, ये तो एक अच्छी थिंकिंग है, इसको तो हम पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं, ठीक है। बट नेगेटिविटी को यार, मतलब जो लोग हैं ना डबल करेक्टर के होते हैं ना, वो ऐसा करते ही करते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, O3। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, इनर्ट गैसेस आर मिसिबल विद वाटर, नॉट स्टेबल या केमिकली अनरिएक्टिव या केमिकली वेरी रिएक्टिव, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको मैंने बता भी रखी हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है और अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई इसका। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, केमिकली क्या होती है, ये अनरिएक्टिव होती है, बहुत कम रिएक्शन करती है, रेयर से चांसेस होते हैं कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, रेडान, ठीक है, या आर्गन, ऐसी जो गैसेज हैं ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्शन करती है, बहुत कम रिएक्शन करती है बच्चों। इनको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, आइडियल गैसेज भी इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ द 18th मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि 18वीं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके 18वें ग्रुप में कितने एलिमेंट लाई करते हैं, फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल जिसने अच्छे से देखी है या चैप्टर अच्छे से किया है वो बता देगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 7। इसको आइडियल गैसेस का जो ग्रुप है वो भी कहा जाता है, नोबल गैसेस का ग्रुप भी कहा जाता है, हीलियम, ठीक है, नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन, आर्गन, रेडान, तो ऐसी जो गैसेस का ग्रुप है उसको हम कहते हैं 18th ग्रुप। नेक्स्ट आइए भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे, NaHCO3 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ, NaHCO3 किसका केमिकल फॉर्मूला है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आप लोगों को पता हो तो, क्वेश्चन दो तरह से घूम के आप लोगों के सामने आ गया, बता दो भी फटाफट से लाइव चैट में आंसर। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। NaHCO3 भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, बेकिंग सोडा भी इसको कह देते हैं, तो तीनों नाम ध्यान रख लेना। उसके बाद आइए भी क्वेश्चन नंबर 21 पे, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है बच्चों, कौन सा एसिड होता है, फटाफट से जवाब दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ लाइव चैट में, और आपका जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियोज कैसी लग रही हैं वो भी आप लोग जरूर बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स का ना मेरे को इंतजार रहता है कि बच्चे कमेंट करें और मैं उनका रिप्लाई करूं, तो फटाफट से भाई ऐसा काम कर दिया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी,
कार्बोनिक एसिड क्या रहेगा? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला लिख दो भी लाइव चैट में फटाफट से, लिखा करो यार, जो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं ना उसका फॉर्मूला लिखा करो, नहीं आता नो प्रॉब्लम बता दिया करो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोनिक एसिड रहेगा बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल, कोयले के कौन से रूप में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, मैं फटाफट से बता दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भी सही से जवाब। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। सबसे जो प्योर फॉर्म है वो भी एंथ्रेसाइट है, क्योंकि उसमें कार्बन का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमेटाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ, हेमेटाइट है भाई किसका ओर है, ठीक है, किसका आवश्यक है या खनिज है, फटाफट से बता दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार, रिप्लाई करना तो बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन का जो आवश्यक है वो है हेमेटाइट। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, कि किसकी पीएच वैल्यू बच्चों 7 होती है, फटाफट से बता दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। और बच्चों प्रैक्टिस सेट को आप लोगों का बड़ा सहयोग और प्यार मिल रहा है बच्चों, तो इस प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा अच्छे से शेयर कर दिया करो, ठीक है। और मैं आपको जैसा कहता हूँ भाई, डेली 2 प्रैक्टिस सेट जरूर देखो, और आपके जो डाउट्स हैं उनको एक नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आप लोगों का जब एग्जाम हो तो आप उनको रिवाइज कर लो और आपके वो क्वेश्चंस दोबारा से गलत ना हो, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, पीएच वैल्यू जो 7 होती हैं वो होती हैं प्योर वाटर की, शुद्ध पानी की, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। फायर एक्सटिंगजर एमिट विच गैस, फायर एक्सटिंगजर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ यार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स 20 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उस टाइम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बता दो भी फटाफट से, लिख दो बच्चों लाइव चैट में भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा कैसे करेंगे, अब मैंने पैरेलल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 कितना होगा 1/20, प्लस R2 कितना होगा 1/30, दोनों का एलसीएम ले लो 60, 23 जा 60, 32 जा 60, यानी 5/60, कैंसिल करोगे तो 1/12। अब इधर देखो बच्चों 1/RP था, ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू 1/12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो RP के बराबर में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो उसके बाद आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, की जो नॉइज है शोर है उसको मापने की जो यूनिट है वो क्या है, फटाफट से दे दो भाई आंसर लाइव चैट में। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भाई आंसर। तो कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्कोर भी आप लोगों का अच्छा जा रहा है बच्चों, ठीक है। जो रूटीन में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो बच्चों बस ऐसे ही मेहनत करते जाइए, दिल लगा के, लगन से, ठीक है ना, आपकी मेहनत का फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डेसिमल।
ठीक है, क्योंकि साउंड है, साउंड को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, और इसको लिखा जाता है डीबी से, ध्यान रख लेना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि एक ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का मारना क्या कहलाता है, दे दो भी फटाफट से आंसर। शाबाश, वेरी गुड, बस जवाब देते जाओ मेरे साथियों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जवाब देना जरूरी है, ठीक है ना, रिप्लाई करते चलो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फोर्स, कि जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं या खींचते हैं अपनी तरफ तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या रहेगी, फटाफट से बता दो भाई, त्वरण, हिंदी में त्वरण कहते हैं एक्सेलरेशन को, एसआई यूनिट क्या रहेगी बता दो फटाफट से। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताए भी थे, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से क्लास देखी तो वो तो इनका जवाब दे ही देगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, -2, ठीक है, जब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1/s का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाती है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, कि एक स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है बच्चों, जैसा कि एक मिरर से, तो उसको कौन सा रिफ्लेक्शन कहेंगे, ये चीज़ मैंने आपको करवा रखी है, जिस बच्चे ने वीडियो क्लास थियोरेटिकल क्लास देखी है वो इसका जवाब दे सकता है। बच्चों अभी तक ज़्यादा क्लास नहीं हुई है तो आप एक बार सभी क्लासेस को देख लो, और जल्दी ही आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, और नाइन्थ क्लास का जो काम है करवाना है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्मूथ सरफेस यानी चिकने सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कि जैसे लाइट्स आएगी पैरेलल बीम्स आएगी, और ये पैरेलल बीम्स वैसे ही पैरेलली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसी सरफेस पे जैसे ही आएगी वैसे ही ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 पे, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को बदलना है तो यू मस्ट डैश द गिवन टेम्परेचर, आपके पास गिवन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फटाफट से बता दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भाई रिप्लाई, वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि हम ऐड करेंगे 273, अब 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 273 केल्विन, ठीक है ना, केल्विन में सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर, वातावरण की जो आर्द्रता है, नमी है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज में लाया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर, क्या रहता है, हाइग्रोमीटर। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज ए, कि लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है, हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट है, उसका जो रिफ्लेक्टर है यानी उसके अंदर जो चमकीली जो लेयर होती है, ठीक है, वो किस तरह से बनी होती है, किसका काम करती हैं, कन्वेक्स मिरर का करती हैं या कनकेव का करती हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों एक छोटी सी ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, आप जनरल लाइफ से यूज किया करो, मैंने आपको स्पून वाला एग्जांपल दिया था, चम्मच वाला, चम्मच का जो बाहरी आवरण होता है तो वो लाइट को फैलाता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, और जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो लाइट को क्या करता है, एक ही जगह पे बाउंड करता है, ठीक है, तो जो बाहर का हिस्सा है वो किसकी तरह काम करता है, कनकेव की तरह, तो कनकेव जो मिरर है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे,
वट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इन टू डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है? दे दो भी आंसर फटाफट से. शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं. दे दो भी इसका जवाब. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर. क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रेक्टिफायर. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? जो प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? फटाफट से बता दो, दे दो जवाब. शाबाश, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं. बस इसी तरह से रिप्लाई करते रहो बच्चों, ठीक है? रिप्लाई करना यार ज़रूरी होता है. मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरी बात का मान रख दिया करो यार, ठीक है? और आगे से शायद मैं ये बात आपको कहना ही बंद कर दूँ, तो क्योंकि आप लोग समझदार हो, एक ही बात रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बच्चों प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो होती है पास्कल. क्या होती हैं? पास्कल. उसके बाद आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36 पे. व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि जब हम काफ़ी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो करंट की वैल्यू है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बता दो भाई फटाफट से. शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो जवाब भाई. तो बच्चों आपको मैंने एक छोटी सी बात इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताई थी कि जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है? तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही. उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन 37 पे. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि ग्रेविटी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? दे दो भाई जवाब फटाफट से. अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, मे बी डिवाइसेस से आपके एक क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छे से पढ़ लो भाई इन चीज़ों को, ठीक है? ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो. तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एरियोमीटर. इसको क्या कहते हैं? एरियोमीटर. ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही. नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 38. व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रेटिना पे जो इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं? बता दो भाई फटाफट से आंसर. शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, दे दो भाई जवाब, बड़े अच्छे बच्चे हैं, जवाब दे दो भाई इसका. शाबाश. तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रियल एंड इनवर्टेड. वास्तविक और क्या बनती हैं? उल्टी बनती हैं. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39. फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का सूत्र क्या है भाई? बता दो फटाफट से. शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भी जवाब, वेरी गुड. और बच्चों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो के बारे में अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मेरे को इंतज़ार रहता है भाई, ठीक है? आप कुछ लिखो और मैं उनका रिप्लाई करूँ. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. क्या होता है? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है? ध्यान रख लेना भाई. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14. 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू किलोमीटर आर. 1 मीटर सेकेंड कितने किलोमीटर आर के बराबर होता है? फटाफट से बता दो. शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, वेरी गुड भाई. बच्चों एक चीज़ को याद रख लो इसमें, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. कैसे? कि जो 1 किलोमीटर पर आर है, 1 किलोमीटर पर आर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. 1 आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 5/18 मीटर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आर में कितने होते हैं? 5/18 मीटर सेकेंड. तो 1 मीटर सेकेंड में कितने होंगे? आप इसको उल्टा कर दो, 18/5 किलोमीटर पर आर. तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी बिल्कुल सही रहेगा, 18/5 किलोमीटर पर आर. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14. पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, यानी पारसेक अभी किसको मापने की इकाई है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो. वेरी गुड भाई, वेरी गुड.
शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहेंगे, खगोलीय जो इकाई है, ठीक है, खगोलीय जो दूरी है उसको मापने की जो इकाई है वो होती है पार्शिक। उसके बाद आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 पे, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हीरा है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो क्यों नहीं करता, इसका कारण क्या है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लिख दो भी फटाफट से लाइव चैट में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रोड्यूस होती हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अपनी ऑर्बिटल्स में, अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, तो उस टाइम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भाई, 43 में, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्रों की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बता दो भाई फटाफट से लाइव चैट में। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, दे दो भी जवाब, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फैदोमीटर, समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, फैदोमीटर से। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 पे, एट व्हाट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीज, कि किस टेम्परेचर पे जो पानी है वो जम जाता है भाई, फ्रीज हो जाता है, बता दो भाई फटाफट से लाइव चैट में आंसर। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा 32 फारेनहाइट, क्योंकि जो फारेनहाइट होता है वो होता है 95C+32, ठीक है, यहाँ डिग्री से, जीरो डिग्री, डिग्री सेल्सियस से किस में जाने का फॉर्मूला है, फारेनहाइट में। तो अब सेल्सियस यानी जीरो डिग्री पे टेम्परेचर क्या है भाई, जो बर्फ़ जम जाती है, तो 9 by 5 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, जीरो में बदल जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, 32 फारेनहाइट के। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 पे, विच बल्ब ऑपरेट्स ऑन लोवेस्ट पावर, कि कौन सा बल्ब है वो जो कम शक्ति पे, कम विद्युत शक्ति पे भी काम करता है, फटाफट से बता दो। शाबाश, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, टॉर्च बल्ब, कि जो टॉर्च का जो बल्ब होता है वो कम पावर पे भी जल जाता है, काम करता है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डैश इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फटाफट से बता दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। फ्यूज को, गैल्वेनोमीटर को और एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 पे, विच ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है बिजली से प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश में बदलता है, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा एक बार लाइव चैट में लिख दो, फिर बताता हूं क्या रहेगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा बल्ब, बल्ब क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट में, ठीक है। सोलर पैनल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। बैटरी भी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज में काम करती हैं, ठीक है। तो बल्ब हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी को किसमें, लाइट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है 48, गैलन इज कॉमनली यूज्ड, गैलन है वो कॉमनली यानी सामान्य तौर पे किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है भाई, ठीक है, फटाफट से बता दो लाइव चैट में आंसर। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बता दो भी आंसर।
तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम, आयतन को मापने के लिए, आयतन को दिखाने के लिए गैलन का यूज करते हैं। इंडिया में किसका यूज करते हैं? लीटर का यूज करते हैं। यूएस में गैलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, द कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कि कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लंबी होती है, ज्यादा होती है, फटाफट से बता दो भाई। आसान सा क्वेश्चन है, जनरली आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। बता दो भी फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए रेड, कि प्रत्येक कलर होता है ना उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, पर जो लाल रंग है ना उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होती है और जो वॉयलेट कलर है ना बच्चों उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है यानी छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एन एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एनीमोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप उस क्लास को अच्छे से देख के अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सको। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ विंड, हवा की चाल को, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक्स। और बच्चों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप लोगों को भाई स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना और जो एडमिन्स है उसके उनको SMS कर देना, वो आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त करने की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।